ओम शांति। 27 जनवरी 2022। अभी सुनते हैं प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की विस्तार से मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोक लाज कलयुगी कुल मर्यादाएं छोड़ अब कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न, अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल, सिर्फ एक बाप एक बात याद करो, चुप रहो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम पवित्र बनो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आए कि आए। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का। यह वह उनका अर्थ समझते नहीं है। सिर्फ बच्चे जानते हैं अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलता है। श्रीमद् झोली भरते हैं। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। उन्हों को यह पता नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम युग कहा जाता है। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर बाप को। उस सागर को तो याद नहीं करते हैं जिससे यह पानी की नदियाँ निकलती है। वहाँ तो नदिया का संगम है, सागर और नदिया का नहीं है। खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में। सागर तो जरूर चाहिए ना। सतयुग की स्थापना करने वाला ही सच्चा बाप सच्ची कहानी नरसे नारायण बनने की सुनाते हैं। याद भी उनको ही करते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तब ही कहा जाए आत्माओं और परमात्मा का मेला संगम का। यह है सच्चा सच्चा मेला। तुम लिख सकते हो यह आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता है, जिससे पतित सृष्टि बदल पावन जरूर बनती है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। यह है सच्चा मेला। जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते हैं, परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है। पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए। बाबा यह सब एडवांस में समझाते हैं। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं, तो यह सब समझाने का भी नशा चढ़ना चाहिए। जो अच्छा समझाने वाला होगा वह युक्ति से समझाएगा, नहीं तो बीत बीत करता रहेगा। कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए। यह संगम, जबकि पति दुनिया पावन दुनिया बनती है, तो सच्चा सच्चा मेला यह है। वह कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए है, परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। वह तो पतित पावन है, उनका तो आना है पावन बनाने। तुम जानते हो यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें चढ़ती कला होती है। सतयुग के बाद फिर नीचे गिरना ही है। जो समय बीता वह कहेंगे पूरा हुआ, पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसी बनाई हुई है। सत्व प्रधान सत्व रजो तमो, तुम जानते हो हम अभी बाप से सुख सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते हैं, कोई तकलीफ नहीं, और ही दर बदर होने से बचाते हैं। शादी आदि में कितना खर्चा होता है, गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करानी पड़ती है। बाबा इन कर्जे से आदि से भी छुड़ाते हैं, नरक में गिरने से भी बचाते हैं, तो खर्चे आदि से भी बचाते हैं। इसलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती हैं, आती थी, अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली, शादी करके फिर पछताती है, यह बड़ी भूल हो गई है। टाइम लगता है ना, तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं। साहूकार तो आ न सके, वह न खुद वर्षा पाते हैं, न रचना को सच्चा कमाई करने देते हैं। गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है। लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती है। कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते हैं तो दोजक में चले जाते हैं। बाप दोजक से निकालने आए हैं, कोई निकलते हैं जानवर तो नहीं जो नाम में रस्सी डाल बचाए, जानवर तो नहीं जो नाक में रस्सी डाल बचाए। समझाते रहते हैं बाप बच्चों का रचयिता होने के कारण समझाते हैं। बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी कराओ, तो भी कितनी खिटपिट होती है। स्त्री आए तो पति ना आए,
पति आए तो बच्चा ना आए, इसलिए खिटपिट होती है। समझाते तो बहुत अच्छी रीति है, मूल बात है पवित्रता की। बच्चे लिखते बाबा क्रोध आ गया, तो समझाया जाता है तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो। कृष्ण के लिए दिखाते हैं यशोदा हाथ बंधवा हाथ उखरी से बांध देती थी, परंतु ऐसी बात है नहीं है। वहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं, यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बात करने की बहुत फजीलत रहती है। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है, कायदे पर चलते नहीं है। कायदे भी तो है ना, मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं, वहाँ खाना पड़ता है। बाबा क्या करे, बाबा कहता है कोशिश करो शुद्ध चीज़ खाने की, लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ, और क्या करेंगे। डबल रोटी तो मिल सकती है, शहद मक्खन आलू ले सकते हो, जिस चीज़ की आदत पड़ गई है तो फिर चलता रहेगा, हर बात में पूछना पड़े। बाबा तो बहुत सहज कर दे, सबसे अच्छा है पवित्र बनना। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं, बाप की मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ करें। उज पद पाए पुरुषार्थ से ही मर्तबा मिलेगा। मम्मा बाबा तख्तनशीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। तुमको भी ईश्वर ज्ञान देते हैं, तो तुम भी यह ज्ञान उठाए फिर आप समान बनाएंगे तो राज राजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। सन्यासियों के फॉलोअर्स बनते हैं, परंतु फॉलो तो करते नहीं है। जिनको सन्यास धर्म में जाना है वो घर में ठहरेंगे नहीं, उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। ड्रामा अनुसार ही भक्ति मार्ग शुरू होता हुआ है। सत्तो रजो तमो में तो सबको आना है। सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उनको भी 84 जन्म लेने हैं जरूर। अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो फिर शुरू में आएंगे। लक्ष्मी नारायण नंबर वन सो फिर लास्ट में है, फिर नंबर वन में आएंगे। उन्हों को जगतनाथ किसने बनाया, कब वर्षा मिला, तुम बच्चे जानते हो संगम पर उनको यह वर्षा मिला है। सारी राजधानी स्थापन होनी है, ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं जो अभी पाठ बजा रहे हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं, परंतु कोई क्या धारणा करते कोई क्या, इसमें है पुरुषार्थ की बात। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सन्मुख कहते हैं, मैं आया हूँ मुझे याद करो तो योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा कहती है, हाँ बाबा मैं इन कानों से सुनता हूँ, शरीर बिगर आप राज्यों कैसे सिखलाएंगे। शिव जयंती भी है जरूर, मैं आता हूँ परंतु कोई को पता नहीं पड़ता है। बाबा समझाते हैं, मैं कलप कलप ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ जिसने 84 जन्म लिए हैं। इसमें बदली हो न सके, यह राज राजेश्वर था, फिर यह ज्ञान ज्ञानेश्वर बन फिर राज राजेश्वर बनना है। यह बना बनाया ड्रामा है, गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता तो ब्रह्मा को कहेंगे न, विष्णु व शंकर को तो नहीं कहेंगे। प्रजा माना मनुष्य कहते हैं, मनुष्य को ही देवता बनाता हूँ। रचना कोई नहीं करते हैं। बाबा पूछते हैं, बच्चे कभी स्वर्ग में चलेंगे, वारी जाएंगे। मैं आया हूँ अब मुझे याद करो, जितना हो सके देहधारी की याद कम करते जाओ। हाँ तुम कर्मयोगी हो, दिन में भर सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद रहे, नहीं तो जिनके साथ लगन होंगी वह जन्म लेना पड़ेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करने की मेहनत लगती है। बाप कहते हैं, रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, योग से तो और ही बल मिलेगा, सुदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ। हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं। तुम जानते हो राज राजेश्वर भी यह बनते हैं, तो नींद को जीतना है, दिन में तो सर्विस करनी है, बाकी कमाई रात को ही करनी है। भक्त लोग सुबह सवेरे उठते हैं, गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है, धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे, कोई कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते हैं। तो सवेरे उठ याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए, याद से विकर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, तब अंत मति सो गति हो जाएगी, बहुत भारी पद मिल जाएगा। इसमें धक्के खाने की बात नहीं है, चुप रहना है
और पढ़ना है, बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा ही शरीर द्वारा काम करती है, करण करावन हर आत्मा है, परमपिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम करते हैं, आत्मा भी करती है और कराती है। यह सब पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करे तब लायक बने। जो समझदार फिर दूसरों को समझाते हैं, बाबा उन्हें लायक समझते हैं, स्वर्ग में उच्च पद पाने के वह लायक है। जो समझाते हैं उनको न लायक समझेंगे उच्च पद पाने का। बाप तो कहते हैं लायक बनो, राजा रानी बनने के लिए उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे। यह समझने की बातें हैं और कुछ करना नहीं है, सब बातों से बाबा छुड़ा देते हैं। सिर्फ एक बात याद करनी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वह बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। बच्चों को सर्विस करनी है, बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर रहती है, आशीर्वाद भी नंबरवार होती है। यह बेहद का बाप भी सभी के प्रति कहते हैं फॉलो मदर फादर। यह तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं, ब्रह्मा उच्च पद पाते हैं तुम क्यों नहीं। अब फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर उच्च पद पाएंगे, अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। अच्छा मीठे मीठे सीख ही लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है, अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन फिर राज राजेश्वरी बनना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है, किसी देदारी के में लगाव नहीं रखना है, नींद को जीतने वाला बन रात में कमाई जमा करनी है। वरदान, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में ये स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेह मूर्त स्नेह की सीरत स्नेह व्यवहार से स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति चाहे प्रकृति चाहे माया कैसा भी विकराल रूप ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। स्लोगन है, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराना मत। कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है इसलिए उनसे घबराओ मत। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा है, सदा के योगी है, योग लगाने वाले नहीं लेकिन है ही लवलीन, अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे। स्वतः याद है ही, जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है, तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। अच्छा ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू।